أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم له ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون میں سمجھتا ہوں کہ سلسلہ فکر محفوظ ہے اور آپ حضرات تمام تر توجہات کے ساتھ ان تقریروں کو سماعت فرما رہے ہیں. آج اکمال دین و اتمام نعمت کے عنوان پر یہ ہماری ساتویں تقریر ہے. اس امام بارگاہ میں تین تقریریں اور رہ جاتی ہیں. منزل قریب ہے اس لیے چاہتا یہی تھا کہ ہمیشہ کی طرح سے آپ اپنے توجہات کو مرتکز کر دیں اس سلسلہ فکر پر کہ جہاں مقصود یہی نہیں کہ آپ اہم عناوین کو یاد رکھیں بلکہ غایت یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ جس طرح سے میں مسائل کو پیش کر رہا ہوں اسی طرح سے آپ بھی ان مسائل کو بیان کرنے کے قابل ہو جائیں. کل کہا جا رہا تھا کہ حکمت کی باتیں اور حکیمانہ گفتگو دل کو خستگی سے دور رکھنے کے لیے اور اس کو قوی اور بیدار رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے. اور بات یہ ہے کہ جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں جیسا کہ کل عرض کیا گیا، یہ افواہ رجال سے نہیں ہے، یعنی لوگوں کی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. اگر افواہ رجال کو آپ تک پہنچایا جائے تو کچھ دیر کے لیے ممکن ہے کہ آپ لذت محسوس کریں، مگر تھوڑی دیر بعد خود آپ محسوس کریں گے
कि सुनी सुनाई बातों से एक एहतजाज तो पैदा होता है मगर यकीन नहीं पैदा होता। उस यकीन के लिए इसी अमर की कोशिश की जाती है कि इस्तदलाल कलाम मासूम से हो, और कलाम मासूम की जो वक्त मिल्लत इस्लामिया में है वो इसलिए है कि कलाम मासूम नहीं है मगर वही कलाम मासूम नहीं है मगर वही, और जहां वही के जरिए आवाज दी जाए कि मन युतल हिकमा फकत ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत अता की जाती है उसको हम खैर कसीर देते हैं, तो इरशाद फरमाते हैं मासूम के जिस्म की रोशनी मुनहसिर है आंखों की रोशनी पर, जिस्म रोशन हो जाता है अगर आंखें रोशन रहे। फरमाते हैं इसी तरह रूह रोशन हो जाती है अगर अक्ल रोशन रहे, रूह रोशन हो जाती है अगर अक्ल रोशन रहे। रूह यानी बातिन इंसान तारीख नहीं रहता अगर शम अक्ल जल रही है, और बातिन इंसान ही की तजल्ली मकसद हकीकी है कि बातिन रोशन रहे, बातिन जलवा फरमा रहे, जलवा आगाह रहे, जलवे से मुत्तसिल रहे। यह उसी वक्त मुमकिन है जबकि अकल से इंसान नजदीक। अजीब बात यह है कि अगर जिस इंसान को अल्लाह ने एतदाल तबीयत अता किया है, हवास दी, शुऊर दिया, अक्ल अता की, जिस्म में तस्विया किया और इर्तिबात आजा व जवारह से एक मिजाज की तखलीक की, और फिर उसके बाद उसको सेहत और सलामती के साथ रखा, बड़ा सी फिक्र बुलंद हो जाए, सेहत और सलामती के साथ रखा यानी देखने वाली आंख दी, सुनने वाले कान दिए, महफूज रखने वाला दिल दिया, हिफ्ज के लिए दिमाग दिया, सेहत के लिए आजा व जवारह में एतदाल दिया, और अगर इसके बावजूद अगर इंसान से अकल का कोई कारनामा सादिर न हो, और इंसान अगर ताकुल से काम न ले और जहल में मुब्तला रहे, तो क्या पूछा नहीं जाएगा उससे? क्या उससे सवाल नहीं किया जाएगा कि इन सारी दौलतों के बावजूद जो सेहत और सलामती जो दी गई थी इसलिए कि इंसान जहल में मुब्तला रहे, और चूंकि इंसान की तकलीफ ही यह है कि वह जहल से हट जाए, इसलिए नबी पर नबी भेजे, रसूल पर रसूल आए, अल्लाह की किताबें आई ताकि वो इंसान जहालत से दूर होता जाए, अकल की मंजिल पर आए, इसलिए कि अकल से सवाल है, अकल से सवाल है, अकल पर सवाब है, अकल पर अजाब है। मासूम फरमाते हैं कि खुदावंद अली आला कयामत के दिन युहासिबहुम अला कदर उकूलहिम, जिसकी जितनी अकल होगी उतना ही हिसाब होगा, जितनी अकल होगी उतनी ही जिम्मेदारी है। युहासिबहुम अला कदर उकूलहिम, मिकदार अकल पर हिसाब है, तो इसी अकल से जब हिसाब लिया जाने वाला है तो अच्छा है, अच्छा है कि मजहबी दरसगाहों में अकल की तरबियत की जाए, अच्छा है कि मजहबी दरसगाहों में अकल से गुफ्तगू की जाए, और
फिर जबकि सारी कायनात में दावत तअक्कुल आम है, इधर अक्ल की दौलत दी और इधर कायनात की एक एक चीज को पैदा करके कहा यह सब तुम्हारी अक्ल के लिए। इरशाद होता है इन फी खल्क समावाती वलर, यह सूरह बकरा की 164वीं आयत है। इन फी खल्क समावाती वलर वक्त लाओ फिल लैल वन नहार वल फुल्क लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउ नास वमा अंजल अल्लाह मिन समाए मिन माए फहया बिह अर्ज बाद मौतहा वबस फीहा من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون। زمین و آسمان کی خلقت میں رات اور دن کے اختلاف میں دریاؤں میں کشتی کی حرکت میں اور جو پانی ہم نے نازل کیا ہے کہ جس سے مردہ زمینیں جی جاتی ہیں اور جانوروں کے لیے اور انسانوں کے لیے غذا مہیا ہو جاتی ہے और हवाओं के चलने में और बादलों के मुअल्लक हो जाने में कुछ निशानियां हैं उस कौम के लिए जो अक्ल से काम ले। वमा वल फुल्क लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउ नास वमा अंजल अल्लाह मिन समाए मिन माए फहया बिल अर्ज बाद मौतहा वबस फीहा मिन कुल दाबा तशरीफ रिया, यानी एक एक मंजिल को मुहैया करके कहां है अकल। ताकुल क्यों नहीं करते, किसी और का बनाया हुआ कारखाना होता तो छिपा के ले जाता। यह दावत आम मुशाहिदे के लिए कि अवलम यंजुरूफी मलकूत समावाते वाला, क्या हुआ ये मुशाहिदा क्यों नहीं करते मलकूत समावात और अर्ज में, क्या हुआ ये ताक्कुल क्यों नहीं करते। अगर इंसानों की बनाई हुई इसमें से कोई भी चीज होती तो वो गार्डेड सीक्रेट होता, वो महफूज किया जाने वाला राज होता कि कहीं खिलकत का राज कोई ले ना उड़े। आपने देखा किसी कारखाने की अगर कोई किसी को सैर भी करवाए तो अपने राज नहीं देता है कि हम किस तरह से कौन सी चीज बनाते हैं, मगर ये वो दरबार है कि जहां मालूम है सबको कि इंसान की सारी कोशिशें उसके एक जर्रे की खिलकत तक नहीं पहुंच सकती और सारी कायनात के उकूल अगर जमा हो जाए तो एक मच्छर को पैदा नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद उसने कहा कहां है तुम्हारी अकल। इन नबी ज़ालिक लआयात लिक़ौमी याक़िलून, इसमें कुछ निशानियां हैं उस कौम के लिए जो अकल से काम ले। चलो उड़ो दाओ, जमीन को छानो, दरियाओं में गोते लगाओ, चांद तक जा सकते हो जाओ, आफ्ताब की सैर कर सकते हो करो, जो तुम्हारी अकल कर सकती है रोक टोक नहीं है। हमने फरिश्तों को इसलिए मुअय्यन नहीं किया है कि कोई आए तो मार के निकाल दो, नहीं, हम चाहते हैं कि तुम अकल से काम लो, बशर्ते कि अकल हर आन पर रुके, हर गाम पर रुके और गवाही दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने मुलाहिजा फरमाया कि यह है दावत अकल, मगर बात क्या थी कि जहां अकल से इंसान काम ले रहा था वह एक मंजिल पर गाफिल हो गया, और वह गफलत यह थी कि मा याकिलुहा इल्लल आलिमून, अकल के लिए इल्म चाहिए, अकल के लिए इल्म चाहिए, इल्म नहीं अकल नहीं। और बहस यह जा रही है कि मन ला अकल लहू ला दीन लहू, जिसके पास अकल नहीं है दीन नहीं है, जहां अकल नहीं है दीन नहीं है। और चूंकि अकल के लिए इल्म लाजिम है इसलिए अगर इल्म नहीं है दीन नहीं है। और इधर रसूल ने फरमाया तलबुल इल्म फरीजतुन, तलबुल इल्म का तलब करना फरीजा है हर मुस्लिम मर्द पर, हर मुस्लिम औरत, तो उसको फर्ज गर्दाना फकत इसलिए कि दीन की राहों में इंसान
نہایت ہی سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, یقین کے ساتھ آگے بڑھے. تو ادھر دین نہیں ہے بجز عقل و علم, اور ادھر آواز دی حل الدین الا الحب. کیا کوئی دین ہے سوا محبت کے؟ تو دین نہیں ہے اگر محبت نہ ہو. تو ہوا یہی کہ جس نے عقل سے کام لیا اس نے محبت سے کام نہیں لیا. جس نے عقل سے کام لیا, جس نے علم سے کام لیا, اس نے بے تعلقی کا اظہار کیا, اس نے بے ربطی کا اظہار کیا, اس نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ جیسا اس کا رب کسی سے نہیں ہے, حالانکہ یہ فطرت انسان دھوکہ کھا گئی, حالانکہ اس نے اپنی فطرت کو دھوکہ دیا, اس لیے کہ محبت کچھ نہیں ہے مگر میلان, اور میلان ہر انسان کے لیے لازم ہے. میلان ہر انسان کے لیے لازم ہے. محبت ہو, گھر سے ہو, وطن سے ہو, اپنے نظریے سے ہو, اپنی سیاست سے ہو, محبت ہو اولاد سے ہو, مساکین سے ہو, تجارت سے ہو, محبت ہو کہ جن حالات میں پروان پا رہا ہے اور پروان چڑھ رہا ہے اس ماحول سے ہو. محبت کے بغیر تو کوئی نہیں, محبت کے بغیر تو کوئی نہیں ہے. مگر معصوم فرماتے ہیں حل الدین الا الحب, کیا کوئی دین ہے سوا محبت کے؟ تو اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں, اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ آنے واحد کے لیے پہلے یہ طے کرو, پہلے یہ طے کرو کہ محبت کا آبجیکٹ کیا ہو, محبت کا موضوع کیا ہو. اس لیے کہ عقل کا سرمایہ یہی ہے کہ عقل جان رہی ہے محبت لازم ہے, مگر عقل حکم لگائے کہ محبت صرف مکان کی حد تک, محبت صرف زمین کی حد تک, محبت صرف اہل و عیال کی حد تک, محبت صرف رہے ہوئے مکانات کی حد تک, محبت صرف نفع دینے والی تجارتوں کی حد تک. عقل کا فیصلہ چاہے. اگر عقل ساتھ ساتھ رہے تو عقل نگرانی کرتی جائے گی کہ محبت کا موضوع کیا ہے, محبت کا مرکز کیا ہے, آبجیکٹ آف لو کیا ہے, کس سے محبت کی گئی. وہ آبجیکٹ جتنا بلند ہوگا, آبجیکٹ جتنا بلند ہوگا محبت اتنی ہی بلندی پہ جائے گی, اور جس بلندی پہ محبت جائے گی اسی سطح سے دین جائے گا. اکمال دین ہے, یہ اکمال دین ہے. محبت پتھروں سے ہے, محبت پتھروں سے ہے, دین پتھر کی حد تک ہے. محبت نباتات تک ہے, دین نباتات تک ہے. محبت حیوانوں سے ہے, دین حیوانوں تک ہے. یہ سب مدارج ہیں ادیان کے, نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں. کون سا جانور نفع بخش ہے اسی کو ماں پکارو, اسی کی پرستش کرو. محبت اگر اپنی ذات سے ہے تو دین بھی اپنی ذات تک ہے, اس لیے کہ حفاظت ذات میں بجلی سے ڈرے اس کو سجدہ کرے, آفتاب سے ڈرے اس کو سجدہ کرے, بڑے درخت کو بہت ہی عجیب پائے اس کے سامنے سر جھکا دے, اجدہا سے ڈر جائے حفاظت ذات کے لیے اس کو سجدہ کرے. تو دین بھی وہیں تک محدود ہے. اس طرح سے محبت بلند ہوتے جائے اگر اور ایک کے لیے ہو جائے. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی وہ 164 آیت تھی سورہ بقرہ کی, ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون. زمین و آسمان کی خلقت میں, رات و دن کے اختلاف میں, ابر میں, بارش میں, زمین کی زرخیزی میں, جانوروں کی چراگاہوں میں, انسان کی غذا میں, کشتی کی حرکت میں, کچھ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے. اور اس کے بعد کی آیت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان لائے سخت ہیں اللہ کی محبت میں. یہ 165 آیت. والذین آمنوا اشد حبا للہ, صاحبان ایمان شدید ہیں اللہ کی محبت میں.
अल्लाह की मोहब्बत में शदीद है। मोहब्बत मैलान है, मोहब्बत रुझान है, मोहब्बत मुलायमत है, मोहब्बत इर्तिबात नफ्स है, नहीं, मोहब्बत मोहब्बत इजहार जात है, मोहब्बत इजहार जात है, यानी मैं अपनी जात का जहूर चाहता हूं खारिज में। जरा सी फिक्र बुलंद हो रही है मगर मैं चाहता हूं आप साथ दें, मोहब्बत इजहार जात है, मोहब्बत मैलान शख्सी है, मोहब्बत वो इरादा है कि जहां इंसान अपना आप जहूर चाहे, अपना आप जहूर चाहे, सारी कायनात का एक एक जर्रा अपना जहूर चाहता है, अपने जहूर का ऐलान करता है, उसकी फितरत में उसकी अपनी जात से मोहब्बत है, कोई शय हो उसको अपनी जात से मोहब्बत है, हिफाजत जात के लिए बेचैन है, कोई पत्थर में भी इनकबाज है, इनके साथ है। जदीद तहकीक यह है कि अगर आराम से रखो मसर्रत महसूस करता है, हथौड़े लगाओ रंज के आसार पाए जाते हैं, पत्थर। ये जमादात है, नबातात को आपने देखा, हैवान को आपने देखा, इंसान की मंजिल भी यह है कि वो सबसे पहले यह चाहता है कि मैं अपनी जात का इजहार करूं, मगर है ये कि इंसान की जात है महदूद, इसलिए इजहार भी महदूद है। देखिए गुफ्तगू, जात महदूद है, इजहार भी महदूद है, और अगर जात दरो दीवार की हद तक है तो इजहार भी दरो दीवार की हद तक है, और जात अगर जिन्स की हद तक है तो इजहार भी जिन्स की हद तक है, और जात अगर महदूद अहलो आयाल की हद तक है तो इजहार भी अहलो आयाल की हद तक है, और अगर यह जात बुलंद होकर किसी लामहदूद से इर्तिबात पैदा करे तो उस वक्त यह इर्तिबात उसको लामहदूद की तरफ ले जाता है, यह इर्तिबात उसको लामहदूद की तरफ ले जाता है। और यह याद रखिए, ये याद रखिए कि मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत नहीं होती मगर हुस्न से, ऑब्जेक्ट ऑफ लव ब्यूटी, मोहब्बत का मौजू हुस्न, हुस्न के माना जहां निस्बतें सही हो, जहां निस्बतें सही हो, इंसान के लिए हुस्न यही है कि आंख से नाक की निस्बत, नाक से कान की निस्बत, कान से रुखसार की निस्बत, चेहरे से पेशानी की निस्बत, चेहरे से गर्दन की निस्बत, जिस्म की निस्बत, अगर यह सही है हुस्न है, अगर हुस्न है तो वह हुस्न तकरार नजर की दावत देता है, एक नजर नहीं तकरार नजर की दावत देता है। तो इस तरह से कायनात में जहां जहां हुस्न है वो मुतालिबा करता है कि मोहब्बत हो, और हुस्न के माना क्या है, हुस्न के माना यह है कि हर शय अपनी मौजूनियत के साथ हो, अपनी मौजूनियत के साथ हो, यानी हारमनी हो, हम आहंगी हो, इर्तिबात हो, एक शय का दूसरे शय से रब्त हो। तो कायनात में आलम अकबर में हर शय हसीन है, इसलिए हर शय महबूब है, हर शय मोहब्बत का मजहर है, और खालिक कुल आयने हुस्न है, आयने हुस्न है, जहां नजर नहीं जाती मगर इर्तिबात आलम पुकार रहा है कि वहां निस्बतें सब सही हैं। मैं थोड़ी सी फिक्र को बुलंद कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं मंजिल की तरफ, बशर्ते कि आप मेरा साथ दें। चुनाचे गालिब ने अपने मशहूर कसीदे में मतला यही कहा था, दहर जो जलवे एक ताइये माशूक नहीं, हम कहां होते अगर हुस्न न होता खुद भी, आयने हुस्न ने इजहार जात किया,
हुस्न ने इजहार ज़ात किया, इसलिए कि आयने हुस्न को शऊर ज़ात था, शऊर ज़ात था, उसको अपनी ज़ात का इल्म था, उस इल्म के साथ उसने अपना इजहार किया। उस इजहार का नतीजा आलम है। आलम से तकाजा यह है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के साहिबान ईमान अल्लाह की मोहब्बत में शदीद हो जाए। मगर निगाह, समाज, जायका, हिस, लम्स, हवास पुकार रहे थे कि मोहब्बत तो होगी अल्लाह से, मगर कोई राह ऐसी मुअय्यन हो, कोई वास्ता ऐसा नजर आए कि जो जहन में आए, नजर में आए, समाज इस काबिल हो के उसको सुने, लाम से इस काबिल हो के उसको महसूस करे, कोई सामने आए उसके जलालो जमाल का मजहर होगा, जलालो जमाल का मजहर होकर सामने आए, ताके महदूद इंसान ला महदूद तक न जाकर कहीं मजबूर ना हो जाए। मोहब्बत लाजिम है दीन के लिए, इसलिए लाजिम यह था कि जात वाजिब अपने जात के शऊर के साथ पहले एक ऐसे मखलूक को बनाए, पहले एक ऐसी मखलूक को बनाए कि जिसका हुस्न दर्जे कमाल पर हो, जहां निस्बतें सही हो, जहां इजाफतें सही हो, पूरे तनासुब के साथ वो आए, और उसको कहा जाए कि अव्वल मा खलक अल्लाहुल अक्ल, सबसे पहले खुदा ने अक्ल को बनाया, अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहले खुदा ने मेरे नूर को पैदा किया। देखिए जिस बहस से हम गुजर गए, इसलिए अब अव्वल मखलूक, अव्वल सुबह, पहली मंजिल अक्ल की, पहली खिलकत इस बात की मुस्तहक है कि उससे मोहब्बत की जाए। अगर अफलाक से मोहब्बत नहीं, अगर आफाक से मोहब्बत नहीं तो परवाह नहीं, इसलिए कि मोहब्बत उससे हो जो साहिब लौलाक है, जो साहिब लौलाक है कि जो मरकज कुल है, जो मरकज कुल है, और उससे वाबस्तगी, उससे मोहब्बत, दीन की जान है, ईमान की जान है। मगर यह कब मुमकिन है, हम अभी आते हैं उस मंजिल पर, कब मुमकिन है? जैसा कि कल अर्ज किया जा चुका, अगर यकीन नहीं है तो मोहब्बत नहीं, अगर इल्म नहीं है तो अकल नहीं, अगर यकीन नहीं है तो मोहब्बत नहीं। हाय, कुरान मजीद ने सूरह हज में इरशाद फरमाया, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, इंसानों में वो लोग भी हैं जो अल्लाह से शर्त लगा के इबादत करते हैं। وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, इंसानों में वो लोग भी हैं जो अल्लाह से किसी शर्त पर इबादत करते हैं। इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिही, खैर मिलता रहे, माल मिलता रहे, आराम मिलता रहे तो मुतमईन हो गए, चलो सजदे पे सजदा। इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिही, और फिर जहां जहमत हुई, जहां मुसीबत आई, फन कलब आला वजह ही, वहीं वो दीवार पर से उधर कूद पड़ा। कलब आला वजह ही, और ये खुसरान मुबीन है, ये खुला खसारा है। सूरह हज, वमिन अन्नास मन याबुदुल्लाह अला हर्फिन इजा असाबहु खैर इत्मअन्न बिही, माल मिलता रहा मुतमईन है, मुसीबत आई कूद पड़ा कि हमको बंदगी की जरूरत नहीं है। ये दो अमली जिंदगी में क्यों है? इंसानों में वो लोग भी हैं जो अल्लाह से शर्त लगा के इबादत करते हैं। वमिन अन्नास मन याबुदुल्लाह अला हर्फिन, इंसानों में वो लोग भी हैं जो अल्लाह से
किसी शर्त पर इबादत करते हैं। इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिही, खैर मिलता रहे, माल मिलता रहे, आराम मिलता रहे तो मुतमईन हो गए, चलो सजदे पे सजदा। इन असाबहु खैरुन इत्मअन्ना बिही, और फिर जहां जहमत हुई, जहां मुसीबत आई, फन कलब आला वजह ही, वहीं वो दीवार पर से उधर कूद पड़ा। और फन कलब आला वजह ही, और ये खुसरान मुबीन है, ये खुला खसारा है। सूरह हज, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ اِذَا أَصَابَهُ الْخَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ, مال ملتا رہا مطمئن ہے, مصیبت آئی کود پڑا کہ ہم کو بندگی کی ضرورت نہیں ہے, یہ دو عملی زندگی میں کیوں آئی, اس لیے کہ یقین نہیں تھا, یقین ہوتا تو یہی کہ پروردگار مصیبت آئی ہے تیری مصلحت ہے, صبر کروں گا, صبر کروں گا اور مصیبت میں زندگی کٹ جائے تیری مصلحت ہے, ہٹوں گا نہیں, یقین تو ہو, یقین تو ہو, مگر عجیب بات یہ ہے کہ دنیا یقین سے بیزار ہے, یقین سے بیزار ہے. 1388 ہجری کا آغاز ہے اس محرم سے, آج تک مسلمان بار بار تنقیح کر رہا ہے نبی معصوم ہوتا ہے کہ نہیں, نبی پہ وحی کیسے آتی ہے, نبی کی باتیں قیامت تک رہ سکتی ہیں کہ نہیں, نبی کو من حیث الکل مانا جا سکتا ہے کہ نہیں, نبی کی وحی میں اور نبی کے اپنے کلام میں کیا فرق ہوتا ہے. مسلسل تحقیق آخر کسی منزل پر جا کر تحقیق تو رکے. میری باتوں کو آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی ایک مرتبہ آپ کے معالج نے خون کے ذرات کو دیکھ کے کہا ٹائفائڈ ہے, تو کیا آپ صبح سے شام تک پھر تحقیق کرواتے ہی رہیں گے؟ ایک مرتبہ آپ کے لیے یہ طے کیا گیا کہ یہ مرض ہے, کیا صبح سے شام تک آپ اسی میں زندگی گزار دیں گے کہ پھر تحقیق کرو یہ مرض ہے یا نہیں, یا آپ علاج کی فکر کریں گے؟ آپ کو تعجب ہے, برابر ہونا چاہیے تعجب, کہ جب آپ کا باورچی کھانا پکاتا ہے اور غذا سامنے آتی ہے, کیا آپ مائکروسکوپک سٹڈی کرتے ہیں, خوردبین سے اس کے ایک ایک ذرے کو دیکھتے ہیں کہ اس میں زہر کہاں ہے؟ اپنے باورچی پہ یقین ہے؟ اپنے طبیب پہ یقین ہے؟ اپنے وکیل پہ یقین ہے؟ زندگی کی راہوں میں اپنے حاکم پہ یقین ہے؟ اپنے استاد پہ یقین ہے؟ یقین نہیں ہے تو نبی میں. نعرہ سلوات, نعرہ حیدری, یعنی آج تک یہی ہے, جب بات کی جائے کسی پڑھے لکھے آدمی سے تو وہ یہی کہے گا, ہم تو فکر کر رہے ہیں کہ وحی کی تعریف کیا ہے, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ وحی میں اور سنت میں کیا فرق ہے, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ احکام قابل قبول بھی ہیں یا نہیں, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بدلتے ہوئے حالات میں دین کو بدل جانا چاہیے کہ نہیں. کب تک تحقیق؟ تو جہاں سے یہ آواز بلند ہو عزیزو کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں, سمجھ لو یقین گیا. دیکھیے میں نے ایک نسخہ دیا ہے آپ کو, جہاں سے یہ آواز بلند ہو کیا اب ہم دین میں تحقیق کر رہے ہیں, یقین گیا. اور جہاں یقین نہیں محبت نہیں, جہاں محبت نہیں دین نہیں. اب معصوم فرماتے ہیں کہ من دخل فی الدین بغیر علم و یقین
जो दीन में दाखिल हो बगैर इल्म व यकीन के, फकत खराज मिन दीन बगैर इल्म व यकीन, वो खारिज भी हो जाएगा दीन से बगैर इल्म व यकीन के, जैसे आया वैसे गया, जैसे आया वैसे गया। इल्म व यकीन के साथ आता है तो सिबात पाता है, साबित कदम होता है, और सिबात कौल उसको अता होता है। जहां यकीन नहीं है वहां मोहब्बत। तो अब जिसके दिल में यकीन आ जाए वहां मोहब्बत लाजिम है। अब ऐसे को सिर्फ इतना टटोलने की जरूरत होती है, क्या मोहब्बत को बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम मोहब्बत को बदलने के लिए, अगर यकीन है तो आप उससे कह सकते हैं। और इसलिए क्या कुरान ने भी यही कहा, कुरान ने भी यही कहा, सूरह तौबा, कुल इन काना आबाओकुम व अबनाओकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बि अम्रिह। कह दो ऐ रसूल कि अगर माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, अजवाज की मोहब्बत, मसाकिन की मोहब्बत, तिजारतों की मोहब्बत, अगर ये मोहब्बतें तुम्हारे पास ज्यादा अहम है अल्लाह की मोहब्बत से, रसूल की मोहब्बत से, जिहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत से, तो ठहरो, अब अम्र खुदा आने वाला है। यानी खुदा ने इन कुरान में इनकार नहीं किया मोहब्बतों का, मोहब्बतें हैं, मगर कहा कि इन मोहब्बतों को ताबे कर दो। चाहो औलाद को, चाहो किसी मरकज के जरिए से, चाहो दोस्त तो चाहो किसी मरकज के जरिए से, चाहो जिसका मैं दोस्त हूं ये भी उसी का दोस्त, जिसका मैं नाम ले रहा हूं ये बच्चे भी उसी का नाम ले रहे हैं, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं ये आमदनी भी उसी की राह में खर्च हो रही है, उसके वास्ते से चाहो। मोहब्बत का रुख बदल गया, हम दीन की तरफ आ गए, हम दीन की तरफ आ गए। और पता चला कि कुरान मजीद ने बड़ी वजाहत की और कहा कि माँ बाप की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, अजवाज की मोहब्बत है, मकानात की मोहब्बत है, तिजारतों की मोहब्बत है, मगर अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत से अगर ये मोहब्बतें मर जाए, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बि अम्रिह, ठहरो ठहरो अम्रे खुदा रहा। अब इस मंजिल पर जब पहुंच गए तो फिर एक मतलब जरा सी गुंजाइश गुफ्तगू थी, और वो ये कि मोहब्बत बगैर यकीन नहीं है, मोहब्बत बगैर यकीन नहीं है। और अगर यकीन है, यकीन है किसी के कमाल पर, यकीन है किसी के मजहर अतम होने पर, यकीन है किसी के जलवा रब होने पर, यकीन है किसी की इबादतों की इंतहा पर, यकीन है किसी की शुजाअत पर, सखावत पर, ज़कावत पर, ज़ोहद पर, तक़वा पर, इल्म पर, हिल्म पर, अगर यकीन है तो वह मरकज़े मोहब्बत है। देखिए गुफ्तगू किस मंजिल पर पहुंची, मैं एक हदीस की तरफ जा रहा हूं, मैं एक हदीस की तरफ जा रहा हूं, और सबके दिमाग पहुंच गए वहां, सबके दिमाग वहां पहुंच गए। और मिल्लत इस्लामिया में तकरीबन सारे बड़े उलमाए इस्लाम ने उस हदीस का जिक्र किया है, और वो ये है कि दीन नहीं है मगर मोहब्बत, मासूम का कौल। और एक कौल ये भी कि किसी की मोहब्बत ईमान है, याद आ गई हदीस, किसी की मोहब्बत ईमान है। और कौन कहता है? अल्लाह का रसूल। तो पता चला, पता चला कि एक कामिल नमूना सामने है, गुफ्तगू मंजिल बमंजिल आगे बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट ऑफ लव सामने है, मोहब्बत का एक मरकज है, मोहब्बत का एक मतलूब है, एक महबूब है। और ऐसा है कि मोहब्बत का मंशा क्या है? मोहब्बत का मंशा यह है, मैलाने तबा यह चाहता है कि मेरी अगर कोई नक्स है तो दूर हो, मुझ में कमजोरी है तो दूर हो। औलाद से मोहब्बत इसीलिए है कि मेरा नाम एक तवील अरसे तक रहे,
मकान से मोहब्बत है तो इसीलिए कि मुझे कुछ राहतें मिले, यानी मोहब्बत नहीं है मगर फायदे की तलब, मोहब्बत नहीं है मगर फायदे की तलब। इसलिए अगर कोई कामिल सामने हो और अगर उससे मोहब्बत का हुक्म आए तो टटोलो, क्या हर फायदा मिलेगा? हर फायदा पा सकोगे? हर वक्त वो काम आएगा? हर मंजिल पर वो सामने रहेगा? तुम्हारा यकीन क्या कहता है? गुफ्तगू यकीन पर है। मुमकिन है किसी को किसी पर यकीन ही ना हो, किसी को किसी पर यकीन ही ना हो, इसलिए किसी से मोहब्बत ही ना हो। मगर अगर हमको यकीन है तो फिर उस यकीन का लाजिमी नतीजा ये, लाजिमी नतीजा ये कि ऑब्जेक्ट ऑफ लव तय करें, मोहब्बत के मकसूद को, मोहब्बत के मरकज को, मोहब्बत के मतलूब को, अपने महबूब को तय करें। औलाद से बुलंद, अजवाज से बुलंद, माँ बाप से बुलंद, मसाकिन से बुलंद, वतन से बुलंद, नहीं जात से बुलंद, अपनी जात से बुलंद, कुछ और गुफ्तगू, जमानो मकान से बुलंद, वक्त के अरसे से बुलंद, हर मंजिल पर हर मौके पर बुलंद। शिर्क नहीं है, शिर्क नहीं है, इसलिए शिर्क नहीं है कि जाते वाजिब ने, जाते वाजिब ने उसको पैदा करके ये कहा है कि युहिब्बुहुम वो युहिब्बुनहु, खुदा उसको उससे मोहब्बत करता है, वो खुदा से मोहब्बत करता है। तो ऐसे मौके पर अगर कोई ऐसा इंसान सामने आए और रसूल तारुफ करें तो हैरानी क्यों हो? हैरानी क्यों? इसलिए हदीस सही आई, हुब्बु अलीन ईमान। हजारों मरतबा आपने सुनी है हदीस, दरमियान से नाम निकाल दीजिए और जिसको आप दोस्त रखें वो नाम रखिए, जिसको आप दोस्त रखें, बेटे को, बाप को, मां को, घर को, तीन लफ्ज हैं, दरमियान से एक लफ्ज को निकाल लें, जिसको अब आप पसंद करें उसको दरमियान में रखें और उसके बाद देखें वो लफ्ज ईमान बर्दाश्त भी करता है कि नहीं। लफ्ज ईमान उसको बर्दाश्त करता है या नहीं? मोहब्बत ठीक, इस वास्ते कि आपका इरादा महदूद, आपकी तबीयत महदूद, निगाह महदूद, नजर महदूद, समाअत महदूद, हवास महदूद, आपने अपने महदूद निगाही में किसी को चुन लिया। मोहब्बत दुरुस्त, मगर ईमान की बात है जिसका रब्त आपसे नहीं है। इसलिए एक ऐसे इंसान का वजूद उसमें लाजिम है, ऐसे इंसान का वजूद लाजिम है जो इंसान के लिए महसूस भी हो, माकूल भी हो, हिस में भी आए, अक्ल में भी आए, जहन में भी आए, दिल में भी आए, दिमाग में भी आए, मुसीबत में भी आए, राहत में भी आए, मरज में भी, सेहत में भी, उसका नाम आए, उसका नाम आए। और इस तरह से यकीन पैदा, यकीन पैदा हो। एक बार गालिब ने एक तर्जी बंद कहा था, उसमें मैं सिर्फ एक मिसरा पाऊंगा, एक मिसरा पाऊंगा, और अजीब गरीब मिसरा कहा रात को तकिए पे सर इसलिए रखता हूं, रात को तकिए पे सर इसलिए रखता हूं कि अली पर तकिया है। देखिए याद रखिए, अब मिसरा सुनिए, तकिया करदम बर अली ता तकिया बर बिस्तर रदम, तकिया करदम बर अली ता तकिया बर बिस्तर रदम। किसी पे तकिया है, किसी पे यकीन है, जब ही तो यूं सोता हूं। तकिया गर्दम बर अली तो तकिया बर बिस्तर ज़दम। ये ज़ात-ए-गिरामी
قید زمان و مکان سے بلند ہے, یہ ذات گرامی قید فرق و مذاہب سے بلند ہے, یہ ذات گرامی صرف تعقل کے لیے, تفکر کے لیے, دین کے لیے, یقین کے لیے, علم کے لیے تو میسر ہے, مگر بے دینی کے لیے, بے یقینی کے لیے, بے علمی کے لیے, بے عقلی کے لیے اس ذات سے کچھ نہیں ملے گا. عجیب منزل ہے. وہاں شاید یہ نہیں ہے کہ کس فرقے کا آدمی ہے, وہ کسی فرقے کا ہو, کسی فرقے کا ہو. حکیم سنائی, حکیم سنائی, ان کی کنیت ابو المجد ہے, مجدود ان کا نام ہے, مجدود ابن عبداللہ حکیم سنائی. ان کا سنے وفات 525 ہے, 525 حکیم سنائی حدیقے میں. تعریف کرتے ہوئے آ رہے ہیں خلفاء کی, اور ایک منت مرتبہ آواز دی, اے سنائی یا قوت ایمان, ایمان کی طاقت لے کر اے سنائی, مدح حیدر بگو پس از عثمان, حضرت عثمان کے بعد اب علی کی تعریف کر, اے سنائی جو قوت ایمان, مدح حیدر بگو پس از عثمان, اور اس کے ساتھ کہا از مدی حش مدائح مطلق, اس کی ہر مدح مطلق ہے. تعریف کر رہا ہوں علی کی, اور اس طرح سے وہ زہق الباطل تو جال حق, باطل گیا حق آیا. سنائی کسی کتاب خانے میں لے لیجئے, ابو المجد مجدود ابن عبداللہ سنے وفات 525, اے سنائی ز قوت ایمان, مدح حیدر بگو پس از عثمان, از مدیحش مدائح مطلق, زہق الباطل است و جال حق, زہق الباطل است و جال حق. مرتضائی کے کرد یزدانش وہ مرتضی کہ جس کو اس کے خدا نے, اب دیکھیے جہاں یقین بڑھتا ہے محبت خود بخود کھلتی ہے, پتا چلتا ہے کہ کس سے کتنا رفت. یہی وجہ ہے کہ میں نے بار بار اقبال کو پڑھا ہے, اقبال ہزار نام لے لیں مگر جب علی کا ذکر کرتے ہیں, فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں, حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں تو دل پکارتا ہے کہ یہاں لفظوں کی قوتیں بدل جاتی ہیں. سنائی ز قوت ایمان, مدح حیدر بگو پس از عثمان, از مدیحش مدائح مطلق, زہق الباطل است و جال حق. مرتضائی کہ کرد یزدانش ہم رہے جان مصطفیٰ جانش, اس کو اس کے خدا نے اس کی جان کو مصطفیٰ کی جان بنا دیا. مرتضائی کہ کرد یزدانش ہم رہے جان مصطفیٰ جانش, اس کی جان اور مصطفیٰ کی جان ایک ہے. سنائی نے کوئی نئی بات نہیں کی, وہی کہا جو بخاری نے کہا, انت منی وانا من, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. مرتضائی کے کرد یزدانش ہم رہے جانے مصطفیٰ جانش, ہر دو گوہر ز ایک صدف بودن, ہر دو گوہر سے ایک صدف بودن, ہر دو گہوارے شبف بودن, دو روندہ چو اخترے گردوں, دو چلنے والے جیسے کہ دو ستارے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں, دو برادر چو موسیو ہارون, دو بھائی جیسے موسیٰ و ہارون ساتھ ساتھ, دو روندہ چو اخترے گردوں, دو برادر چو موسیو ہارون. آخری شعر پڑھ رہا ہوں اس سلسلے کا, مگر اس کی تشریح میں نے اسی بارگاہ میں آج سے 7 برس پہلے جب میں نے یہاں تقریر کی تھی تو اس شعر کی تشریح میں نے اسی طرح سے کی تھی جیسے آج پھر کر رہا ہوں. حکیم سنائی,
हकीम सिनाई, इसमें एक अजीब बात है, हकीम सिनाई फायदा उठा रहे कि हैदर में खुद दर है, है ये दाल रे, हैदर में खुद दर है, तो इस दर का तस्करा करेंगे वो, और उसके बाद पयंबर में बर है, बर के माने फल के हैं, दर के माने दरवाजे के हैं, तो अब ऐसी मंजिल पर सिनाई ने कहा तानतुक्षात इल्मे हैदर दर, जब तक इल्मे हैदर दर न खोले, तानतुक्षात इल्मे हैदर दर न देहत सुन्नते पयंबर बर, हकीम सिनाई तानबुख्शाद इल्मे हैदर दर न देहत सुन्नते पयंबर पर, फल नहीं देती है सुन्नत जब तक के इल्म का दरवाजा न खुले। कल की ये गुफ्तगू थी, शहरे इल्म है कोई मगर उसका दरवाजा वो है कि जिस दरवाजे पर सबके सर खम है, वहीं से जाना है, उसी से मोहब्बत है, उसी से राबता है, उसी से इर्तबात है, उसी को पुकारते हैं, उसी को आवाज देते हैं, कि अगर इल्म नहीं तो जहल है, उस दरवाजे को छोड़ के कहां जाओगे। गुफ्तगू खात्मे के करीब आ रही है, जैसा कि मैंने कहा सिर्फ तीन तकरीरें रह गई और मालूम नहीं कितने मसाइल छूटे जा रहे हैं इस उन्वान से, जो बच जाएंगे फिर आने वाली तकरीरों में इंशाअल्लाह इसी सिलसिले की उन मसाइल पर गुफ्तगू होगी। मगर बात यह है कि चूंकि वो इल्म नबी का दर है, इसलिए हर इल्म तलब के लिए लाजिम है कि मुसलसल उसी को पुकारे, उसके सिवा कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। बाबे मदीना इल्म है अगर इल्म चाहते हो, और इल्म लाजिम है अकल के लिए, अकल चाहते हो अगर मोहब्बत चाहते हो तो उसी दर तक पहुंचना है, उसी दर तक पहुंचना है। बात में बात आई, आप माफ करें सिलसिला कलाम खत्म कर रहा हूं। मैंने कौन सा सन कहा था 525, 525 हकीम सिनाई, 1225 मीर तकी मीर, मीर तकी मीर उर्दू अदब का वो मजलूम नाखुदा के जिसको अली की मोहब्बत की बिना पर कराची की यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। और जामिहाए अदब ने वो तवज्जो नहीं दी जिसके वो मुस्तहिक, और अकल की बहस जब शुरू की तो कहा अकल है तो मीर तकी मीर 1225 इनका सने वफात है, अकल है तो मेरा कहा कर तू, अकल है तो मेरा कहा कर तू, महवे जिक्रे अली रहा कर तू। एक तरह ये भी है जिया कर तू, अश्क रुखसार पर बहा कर तू, या अली कहा कर तू। मीर अकल है तो, ये उर्दू देखिए, ये फसाहत देखिए, अकल है तो मेरा कहा कर तू, महले याद अली रहा कर तू, ये भी एक तरह है जिया कर तू, अश्क रुखसार पर बहा कर तू, या अली कहा कर तू, रश विलाए अली का ख्वाहिश मांग, रह विलाए अली का ख्वाहिशमंद है ये सेवा खुदा रसूल पसंद, है ये सेवा खुदा रसूल पसंद, तब के हरगिज न रख जबान को बंद, तब के हरगिज न रख जबान को बंद,
पस्त करने को, पस्त करने को मुद्दई के बलन या अली कहा कर तू। बहरहाल मैं तीसरा बन पड़ रहा हूँ, सहमत नहीं दूंगा। बड़ी तवील नज़्म है, लहजा लहजा जुदा है उसकी शान। ये मकामे मोहब्बत है, ला तकरार फी तजल्ली, एक ही जलवा नहीं है उसका। जब नाम लो नया लुत्फ है, जब आवाज दो एक नई कैफियत है। लहजा लहजा जुदा है उसकी शान, उसकी आदत मुरव्वतो एहसान। लहजा लहजा जुदा है उसकी शान, उसकी आदत मुरव्वतो एहसान, उसकी उल्फत ही ऐन है ईमान, ऐन है ईमान। देखिए चौथा मित्रा, चले जब तक जबान गनीमत जान, या अली कहा कर। अदब की दुनिया है, ये अदब की दुनिया है। सिर्फ इसलिए यह गुफ्तगु यहां तक पहुंची कि हुब और ईमान के दरमियान यह नाम आया, हुब अली ईमान। इस नाम को कोई रिप्लेस ना कर सका, इस नाम को कोई बदल ना सका, इस नाम की कोई जगह ले ना सका। दुश्मनियां हुई, बातिल की सल्तनतें आई, इस्तबदाद की ताकतों ने अपने सिक्के जमाए, अबू सालिब की औलाद से बदले लिए गए, लेकिन वो लफ्ज दरमियान से आज तक न हट सका, वो लफ्ज न हट सका। किसकी मजाल है कि वह ये रब्बानी जिस जबान पे जारी है। गालिब ने कहा था पैगंबर की तारीफ में, आरे आरे के माने हाँ, आरे कलाम हक बे जबान मोहम्मद, हक का कलाम मोहम्मद की जबान। और उस जबान से कहा था कि इनकी मोहब्बत ईमान है, मोहब्बत अपनी जगह पे है, ईमान अपनी मंजिल पर है, मगर दरमियान का राबेता देखिए, किसकी मोहब्बत ईमान है, किसकी मोहब्बत ईमान है। यही चीज थी दुनिया को खटकती रही, बदले लिए गए, कल ले लेंगे बदला, ले लेंगे बदला। अबू तालिब से यही गुफ्तगू, अबू तालिब के बेटे से यही गुफ्तगू, अबू तालिब की औलाद से यही गुफ्तगू, हम बदला लेंगे। मगर अजीब बात यह है कि मुसीबत पहुंचाना दुख पर दुख देना और है, फजाइल को छीनना और है। फजाइल कैसे छीने जाएंगे, किसी को कैद में रखो, फजीलत को क्या करोगे। यूसुफ को कैद में रखा, मगर कौन यूसुफ जिसको तावील अहादीस का इल्म दिया गया था, कौन यूसुफ जिसको नबुव्वत हासिल थी। तो यूसुफ का कैद में रहना उसकी नबुव्वत के मनाफी तो नहीं है, बातें आप समझ रहे। इसी तरह से आले मोहम्मद का असीर हो जाना, आले मोहम्मद का दरबदर होना, नौकहाए नैजा पर शहदा के सरों का आ जाना, क्या ये तौहीन है? नहीं। कभी मैंने कहा था, और फिर मुझे कहना पड़ेगा अरबईन के करीब, कि काफिला जब मदीने के करीब आया, सानिया जहरा ने आबिद बीमार को तलब किया, कहा बेटा अगर अहले मदीना पूछे क्यों ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्सी बंधी थी, तो बेटा क्या जवाब दू। तो रो के कहा फुकी अम्मा, मा हाजा रजाई लोना बल हाजा फजाई लोना। फुकी अम्मा हमारे लिए जिल्लत नहीं है, ये हमारे लिए फजीलत है, ये फजीलत है। कैद करो, असीर करो, गिजा न दो, ठीक है यही सही। मगर दुनिया एक दिन जान लेगी कि ये असीरी कितनी बड़ी फजीलत है, इस कैद में कितने फजाइल पिन्हा है। आले नबी कैद में है, फजाइल तो कैद में नहीं है।
آل نبی قید میں ہیں, ان کے صفات تو قید میں نہیں ہیں, آل نبی قید میں. اور رات آدھی ہو چکی ہے, بچے ماں کی گود میں بے چین ہو رہے ہیں. کیا ایسے میں کہیں زندان کے پیچھے سے آواز آئی, ولدی حسین سمرت افوادی حسین, میرے لال. زندان باندھ دوڑا کہ یہ کون قیدی باہر آ گیا. وہ جدھر جاتا ہے کوئی نظر نہیں آتا, مگر آواز آتی ہے, میرے لال حسین تجھے قتل کر دیا بیٹا. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے عاجز ہو گیا. صبح کو عابد بیمار کی خدمت میں آیا, مولا کیا قیدیوں میں سے کوئی بیوی رات کو باہر جاتی ہے؟ کہا کیوں؟ کہا قید خانے کے پیچھے سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے, کبھی نزدیک سے آواز آتی ہے کبھی دور سے آواز آتی ہے. عابد بیمار نے کہا زندان بان ہم اسیر ہیں, زندان کا دروازہ مقفل ہے, آل نبی بھاگنے کے عادی نہیں ہے. اچھا شب ہوگی تو ہم دیکھیں گے. اس نے آہستہ سے کہا مولا مجھے شبہ اس لیے ہوا کہ جس جو بی بی روتی ہے اس بی بی کی آواز اس بی بی کی آواز سے ملتی ہے جو سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہے. عابد بیمار پھپھی کے پاس گئے, کہا پھپھی اماں کوئی بی بی قید خانے کے گرد راتوں کو پھرتی ہیں اور روتی ہیں. کہاں بیٹا, ہاں آواز میں بھی سنتی ہوں, آج پوچھوں گی. رات ہوئی نصف شب گزری, علی کی بیٹی در زندان پا کے کھڑی ہو گئی کہ ایک آواز آئی, ولدی حسین سمرت افوادی حسین, آنکھوں کے تارے دل کے سرور. بے اختیار زینب نے پکار کے کہا ہے بی بی تو کس حسین کو رو رہی ہے؟ کوئی بی بی قریب آئی اور آ کے کہا زینب ماں کو نہیں پہچانا, ماں کو نہیں پہچانا. زینب زہرا ساتھ ساتھ ہے. صاحب ناسک زینبیہ فرماتے ہیں کہ شہزادی نے بے اختیار کا اممہ بچپن تھا جب آپ سے جدا ہوئی تھی. اممہ ایک تو رات کا وقت ہے, دوسرے آپ نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا رکھا ہے. اممہ ذرا نزدیک آ کے چہرہ تو دکھائیے. زہرا نزدیک آئیں, اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا. شہزادی زینب نے ایک چیخ مار کے کہا اماں یہ چہرے پہ لہو کس کا ہے؟